हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ सिप्रा। और देख सकते हैं मेरी सोना अभी सो रही है क्योंकि आज लगा उसे इंजेक्शन, और अभी अभी आई है वो इंजेक्शन लगा के। और आते टाइम वो सो गई थी, रास्ता में ही सोई थी। और वो जब आई तो मैं सो रही ओ सॉरी मैं बर्तन वॉश कर रही थी, और वो उसे देखी मैंने जो वो हाँ वो आ गई तो देखे जो सो गया, तो थोड़ा सा मेरा टेंशन मतलब रिलैक्स फील हुआ। जो वो अभी सो रही है, पेन वगैरह नहीं हो रही है, इस वजह से सो गई। बाबू मेरी सो रही है और अभी भी मैं बैठ के सोच रही हूँ उठेगी तो क्या करेगी, बट देखते हैं उसका रिएक्शन क्या रहती है उठने के बाद, उसको पेन होगा या फिर नहीं। डॉक्टर वहाँ से कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दिया, वरना हर बार जो है मेडिसिन दे देता था, बट इस बार नहीं दिया। अब देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। 3 इंजेक्शन लगा है उसको, 2 पाँव में एंड 1 हाथ में। और वो जब उठेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसी है और क्या कर रही है नहीं कर रही है। और हाँ, जब 3 मंथ का था ना, उस टाइम जब इंजेक्शन लगा था तो बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा, बहुत इधर उधर घुमाए उसके बाद, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बहलाना पड़ा था। उसके बाद वो रोना बंद की थी एंड मेडिसिन दे देते थे तो फीवर आते थे, तो मेडिसिन भी देते थे ताकि फीवर जो है उतर जाए। इस वजह से इस बार मेडिसिन वगैरह भी नहीं दिया है। अब सोने के बाद पता चलेगा फीवर भी आएगा या नहीं आ रहा है, सुन उठेगी तब पता चलेगा। और अभी उठेगी तो उसको खाना खिलाएंगे, और आज नहीं नहाएंगे क्योंकि सुबह में भी नहीं नहाई थी, सुबह सुबह नहीं नहाती, उसको 12 बजे में नहाती हूँ, तो बस आज 12 बज चुका है। और ये इंजेक्शन लगा रही है जो कि फीवर आने का चांस रहता है, इस वजह से नहीं नहाऊँगी आज उसको। एंड मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में, जब वो उठ जाती है तब दिखाऊँगी आप लोगों को। और देखिए अभी अभी वो सो के उठी और क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है। और पेन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है और फीवर भी नहीं आएगा क्योंकि डॉक्टर जो इंजेक्शन लगा दे रहे थे वो बहुत बता दिए फीवर वगैरह नहीं आएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और हल्का सा बॉडी गर्म रह सकता है, ज्यादा टेंशन नहीं है। और उसे मैं देखिए वो कैसे करके देख रही है, बहुत गुस्सा में बहुत जल्द गुस्सा भी हो जाती है, गुस्सा दिखाती है। एंड बिल्ली है घर में, बिल्ली को डराती भी है माँ करके, कभी मैं वो दिखाऊंगी आपको कैसे वो डराती है। और देखिए वो टेडी लेने के लिए कैसे कर रही है, टेडी ले लिए। एंड एक चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ क्या करती हो, अभी वो कार्टून देख रही, कार्टून देख देख के स्माइल कर रही है, हंस रही, दांत नहीं हुआ है उसका, बिना दांत का हंसी है ये। और ये अभी कर रही है सुसु, देख सकते हैं इसका फेस एंड फेस का रिएक्ट देख सकते हैं उसका, सुसु करने के टाइम वो कार्टून देख रही है, सुसु कर रही है। एंड वो डायपर पहनी हुई है तो सुसु खोज रही है किधर जा रहा है, जब वो फर्श पे बैठती है एंड सुसु करती है तो सुसु देखती है किधर जा रहा है, और हाथ से वो जल्दी जल्दी साफ करने लगती है हम लोग को देखने से पहले। तो उसके बाद उसका हाथ पाँव अच्छा से धुलाना पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा शरारत है मेरे बेटे, सॉरी काफ़ी ज़्यादा नटखट है। मैं उसको बुलाती बट देखती नहीं, देख लेती एंड घूम जाती है। देखिए वो कार्टून भी दिखाती हूँ मैं, कौन सा कार्टून देख रही है, पूरा गौर से देखती है कार्टून एंड स्माइल भी करती है कार्टून देखने के बाद। उसको समझ में भी आता है हाँ कार्टून चल रहा है, क्या सीन दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, बहुत छोटी सी फिर भी समझ में आ जाती है उसको। और देखिए कौन सा कार्टून देख रही है, काफ़ी गौर से दिखती है, काफ़ी अच्छा लगता है उसको देख। और हाँ, अब मैंने उसका ड्रेस वगैरह चेंज कर दिए हैं, और उसका पापा जो है एक्वेरियम साफ कर रहे हैं, फिश का जो एक्वेरियम है वो साफ कर रहा है। तो वो जो गमला में जो टब में कुछ मछली रखे हुए हैं तो वो मछली के साथ खेल रही है, पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ क्या कर रही है, और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। देखिए उसको एक पत्ता गोभी का पत्ता दिया है खाने के लिए, बटों का तो खाती नहीं है ना, आप लोग फीस देखिए। और का कुछ पीस यहाँ पे कुछ पीस अलग है, एक्वेरियम देख सकते हैं अभी खाली है जो कि साफ करेंगे, साफ करने के बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा गंदगी जम जाता है एक्वेरियम में काफ़ी ज़्यादा, एंड साफ करने के बाद देखिए कितना क्लीन लगता है, क्रिस्टल हो जाता है। एंड पीछे का जो बैकग्राउंड था ना वो भी चेंज कर दिया, एंड फिश वगैरह सब कुछ डाल दिया, एंड स्टोन वगैरह सब कुछ डाल दिया, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। हाँ, और अचानक से हम लोग शाम के निकल पड़े मार्केटिंग करने के लिए, पूजा के शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि पूजा के ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ तो हम लोग चल पड़े शॉपिंग करने के लिए। और सोना का इंजेक्शन लगा था तो उसको पेन वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, तो हम लोग सोचे ठीक है चलते हैं मार्केटिंग कर लेते क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, इस वजह से अचानक से हम लोग आ चुके हैं मार्केट। और मार्केट में क्या क्या शॉपिंग किया एंड क्या लिए नहीं लिए वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।